प्रणाम मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं माता बगलामुखी तंत्र का एक दिव्य अनुभव। यह तंत्र हमारी संस्था द्वारा एक व्यक्ति को बना करके दिया गया था। दिशा के अभाव में उन्होंने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके माता बगलामुखी तंत्र को धारण किया। विशेष रूप से उनके लिए तैयार किया गया माता बगलामुखी तंत्र जब उन्होंने धारण किया तो क्या क्या अनुभव उन्हें हुए, आइए हम उन्हीं के भेजे एक लिखित संदेश के द्वारा पढ़कर जानते हैं। ये लिखते हैं कि प्रणाम योगीराज, आज मैं माता बगलामुखी तंत्र का उस दिशा का अनुभव बता रहा हूं जिस दिशा में शायद ही कोई धारण करता होगा। मैं भी धारण नहीं करना चाह रहा था, परंतु गलती से दिशा के अभाव में धारण हो गया। मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं रहती किसी के प्रति, अतः आप इसे एक अनुभव के तौर पर ही लें। यह बात शायद फरवरी माह की है। मैं शाम को अपनी दुकान पर मामा जी को घर जाने के लिए छोड़ने गया। वैसे तो शाम के समय मेरा भाई जाता था, पर उस दिन मैं गया था। उन्हें छोड़ने के बाद मैं दुकान पर बैठा था, तभी एक आदमी जो शराब पीकर आया था उससे मेरी छोटी सी बात पर कहा सुनी हो गई थी। बात बढ़ गई थी, हाथापाई नहीं हुई थी। उसने मुझे धमकी देते हुए कहा था कि तू मुझे जानता नहीं है। यह कहकर उसने मेरी एक फोटो अपने मोबाइल में खींची, और जब मैंने भी उसकी फोटो खींचनी चाही तो उसने मेरा फोन हाथ मारकर गिरा दिया था। वह आदमी उन लोगों का रिश्तेदार था जो कभी गुंडागर्दी में रह चुके थे। उसके फोन गिराने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छी खासी हाथापाई हो जाती क्योंकि मुझे यह चीज सहन नहीं हुई, लेकिन तब तक बीच बचाव करने वाले बीच में आ गए और लोगों ने उसे थोड़े कड़े स्वभाव से भगा दिया। इस तरह के लोग अक्सर आते रहते हैं, परंतु इस तरह की घटना मेरे साथ पहली बार हुई थी। उस दिन यह घटना रात 9 बजे करीब हुई थी, और उस दिन से ठीक 2 दिन बाद मुझे पूरी रात दुकान पर बैठना था। पूरी रात और पूरे दिन मुझे इसी बात पर सोचते हुए गया, और खुन्नस भी आ रही थी कि इस तरह की बात आज तक नहीं हुई। अगली शाम को बड़े भाई ने मुझे दुकान में ना बैठाकर खुद बैठा। अब मुझे उसकी चिंता होने लगी और अजीब से ख्याल आ रहे थे, पर उस दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। और फिर अगली रात 10 बजे मैं दुकान पर बैठा हुआ था। तकरीबन आधा घंटा बीता होगा, तभी बगल के होटल पर काम करने वाला एक लड़का आया और उसने बोला कि जिस आदमी से तुम्हारा परसों झगड़ा हुआ था उस आदमी का बहुत करारा एक्सीडेंट हो गया है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। इस बात को सुनने के बाद मुझे इतनी शांति मिली कि मैंने उससे यह जानने की जरूरत नहीं समझी कि उसे चोट कहां आई है। यह एक अनुभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं ऐसा कुछ सोचता हूं। यह एक कारण भी था कि मैं यह अनुभव बताना चाह रहा था, पर मेरे ख्याल से दक्षिण दिशा के कम ही अनुभव है, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। प्रणाम। प्रतिक्रिया। किसी के लिए भी मन में गलत विचार न लाएं।
माता अपने पुत्र के कष्ट को समझती है एवं अपने पुत्र को कष्ट देने वाले को दंड अवश्य देती है।